80 सेंटीमीटर कपड़ा है। सबसे पहले हम कोई भी ब्लाउज लेंगे, ब्लाउज के नाप से ही हम ब्लाउज बनाना आज बता रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं, ब्लाउज पहले सीधा करने के बाद इसको नाप लेना है। जैसे ये इसका चौड़ाई माप लेना है और इसका लंबाई का, लंबाई 15 है तो इसमें हम 1-2 इंच जोड़ देंगे। अब बस देखिए कि इसका चौड़ाई हो गया आपको 9.5 इंच। और ये कटिंग ब्लाउज है, कटिंग ब्लाउज बनाने के लिए ऐसे ही कपड़ा लिया जाता है। ये 9.5 इंच ले लिए, ये हो गया गले का भाग, तो इसको दो लेते हैं। और ये कंधा 5 इंच लिए और बस इसे करना कुछ नहीं है। बाजू है, बाजू 6 इंच ले लेते हैं, राउंड शेप मिला देते हैं। इसका गला अभी ज़्यादा नहीं लेंगे, इसलिए कटिंग ब्लाउज में अगर अधिक गला हो जाने के बाद ना बैठता नहीं है, तो इसलिए 4 लेके इसको राउंड शेप बनाए। तो यहाँ 5 ले लिए, यह 6, ये चेस्ट 9 इंच और ये गले का भाग 2 और इसे 4 इंच। बस पिछली पल्ला हटा के इस अगला पल्ला दाग लगाना है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, कटिंग ब्लाउज इस के लिए बेल्ट का हिस्सा नीचे से 5 इंच लेना है, दोनों तरफ से 5 इंच। बस कुछ नहीं, इसे हम सीधा रेखा खींच देना है। और उसके बाद यहाँ जहाँ से हम बेल्ट के लिए लिए हैं उस जगह से चलना चाहिए ना कि कहाँ है। चलो जहाँ से बेल्ट में 5 हम लोग लिए हैं, 5 इंच उस जगह से फिर इधर 5 लेंगे और उसी के कखिया के ऊपर यहाँ 5.5 हाफ इंच का डिफरेंस करना है और उसके बाद इसे गोलाई शेप मिला देना है। तो ये हो गया आपको 5.5। अब बस कुछ नहीं, 1.5 इंच यहाँ, 1.5 इंच यहाँ, बस इसे मिला के राउंड शेप मिला देना और इसे कटिंग कर देना है। बस ये दोनों हिस्सा, बस इसे करना क्या है कि बस इधर हम गले तो कटिंग करने के बाद बस हल्का नापना है। तो इस जगह से नापेंगे तो 4 इंच और इसका लंबाई कटिंग ना है तो ये 9 इंच हो गया। तो बस इसके लिए हम इसे यहाँ रखते हैं। नौ इंच का पट्टी काटना है तो माप लेते हैं, नहीं इधर से नहीं आ रहा है तो हम इसे ऐसे करके मापेंगे। 4 इंच लंबाई, 9 इंच ये। बस इसमें करना क्या है कि 1/2 इंच या 1 इंच तिरछा कर देना है, 1 इंच 1 इंच और बस इसे कटिंग कर देना है।
कटिंग होने के बाद हम इससे इसको जोड़ लेंगे। वो जोड़ना हम आपको अभी सुई धागे से दिखाएंगे, इसलिए मशीन पर बताने के बाद अच्छा से समझ नहीं आएगा। ये इस तरीका से और ये पट्टी यहाँ लगेगी, ये पट्टी जो अभी सिलने के बाद हम आपको दिखाएंगे। तो ठीक है, हम इसको दिखाते हैं। हम ना आपको सिलना बताएंगे, इसलिए कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि कितना कटिंग है, किधर क्या लगाना है, इसलिए हम बता रहे हैं। देखिए, इस चीज़ को हम लोग को ऐसे लगाना है, ऐसे। तो अब इसे हम ना आपको सुई से सिल के दिखाएंगे, जो आप लोग को जल्दी समझ आ जाएगा। तो सुई से बस कुछ करना, एक पल्ले को हम हटा रहे हैं और आपको दिखा रहा है। देखिए, इसमें कटिंग का हिस्सा है, यहाँ से एक इंच कम है, बस कुछ नहीं, ऐसे करके और ऐसे। हाथ से सिलने से आप लोग को अच्छा समझ आ जाए, इसीलिए हम हाथ से सिल के दिखा रहे हैं। ये पल्ला ऐसे तैयार होने के बाद बस इसमें ज्वाइन करना है। देखे, अब ये जो हम गुलन दिए कटिंग ब्लाउज का, तो कुछ नहीं, जो किनारे कटा हुआ था, बस इसको हमको जोड़ना है। ये बाजू का हिस्सा है और इधर आगे का हिस्सा, तो बस कुछ नहीं, ये जब हम सिलाई कर दिए तो हम इसमें अटैच करेंगे। तो कुछ नहीं, इसके लिए ऐसे करके और अटैच करना है। बस यहाँ पर सिल लिए, सिलने के बाद यहाँ पर हमको टैकिंग लगाना है, जो कि ये देखिए आपको, बस जो बीच टैकिंग लगाना है, बीचों बीच टैकिंग लगा करके बस ये टेकिन है। बस इसी जगह से हमको ऐसे पकड़ के और यहाँ तिरछी रेखा बनाना, अब बस ये जो कटिंग जो पहले किए थे बस इसको इसमें जोड़ना है। तो हम इसे जोड़ रहे हैं, ये पल्ला तैयार हो चुका है। ऐसे ही हम एक और पल्ले को तैयार कर लेंगे और उसके जैसे नॉर्मल ब्लाउज सिलाई होता है वैसे सिलाई करते हैं। दूसरा पल्ला भी ऐसे ही तैयार कर लिए, अगला ये दोनों। अब आपको पूरा हम सिल के मशीन पर दिखाएंगे, इसलिए कि हम हाथ से सिल के दिखाएं कि आप लोगों को समझ आ जाए। और वो तो जैसे सादा ब्लाउज सिलाता है वैसे ही सिलना, तो पीछे का पोर्शन वैसे ही, बाजू भी ऐसे ही लगेगा, सिर्फ इसमें आगे जो कटिंग करना है पट्टी और ये कटिंग को ही समझना जरूरी है, जो अब आप लोग को समझ आ जाना चाहिए। लेकिन देखिए, कोशिश कर, ये गला छोटा लग रहा है, अब गला आप इसको अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं, इसे कटिंग और भी थोड़ा सा कटिंग करना पड़ेगा। तो इस तरीका से हम लोग गले को कटिंग कर सकते हैं।